अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के हमारे लेक्चर में हमने डिस्कस करना है डार्क रिएक्शंस को। फर्स्ट हमारे लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फोटोसिंथेसिस एंड देन हमने लाइट रिएक्शन की जो नेक्स्ट स्टेज थी उसको हमने डिस्कस किया था कि लाइट रिएक्शन में कैसे जो है लाइट एनर्जी को कैप्चर किया जाता है और उसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू एटीपी एंड एनएडीपीएच। तो नेक्स्ट जो हमारी फेज थी वो थी फोटोसिंथेसिस का जो सेकेंड फेज है वो क्या है, डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन को एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था जिसका नाम है केल्विन। तो उसकी डिस्कवरी के बेस पे कि केल्विन ने उसको डिस्कवर किया तो हमने इसको केल्विन साइकिल के नाम से भी हम इसको जो है मोस्टली जो है जानते हैं कि डार्क रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, केल्विन साइकिल के नाम से जानते हैं। और केल्विन और उसके साथ जो कुछ लोग थे उनको उसके कुछ को वर्कर्स थे उन्होंने साइकिल को पूरे साइकिल को डिस्कवर किया था और केल्विन को नोबल प्राइज़ दिया गया फॉर दिस डिस्कवरी। कि ये इतना एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, हालांकि हमने अभी डिस्कस करना है तो हम डिस्कस कर लेंगे इस टॉपिक को 15 से 20 मिनट में। तो अब देखें 15 से 20 मिनट के इस टॉपिक में उसकी इस साइकिल के इस डिस्कवरी के थ्रू केल्विन को क्या मिला, नोबल प्राइज़ मिल गया। तो कितना ये इम्पोर्टेंट जो है एक साइकिल है इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो डार्क रिएक्शन या केल्विन साइकिल को फर्स्ट ऑफ ऑल इसके स्टेप्स जो हैं वो आपको पता होने चाहिए कि केल्विन साइकिल के जो स्टेप्स हैं वो कितने हैं। वो 3 स्टेप्स हैं। नंबर 1 पे हमारे पास आ जाती है कार्बन फिक्सेशन, नंबर 2 पे आ जाती है रिडक्शन फेज, और नंबर 3 पे हमारे पास आ जाती है रीजनरेशन ऑफ RuBP। RuBP हमारे पास क्या है, राइबुलोज बिसफॉस्फेट। ये एक शुगर है हमारे पास, बेसिकली राइबोज शुगर से मिलकर बनी हुई है राइबुलोज बिसफॉस्फेट। 5 कार्बन कंपाउंड है जिसके साथ 2 फॉस्फेट ग्रुप अटैच होते हैं। तो फर्स्ट जो आपका एम होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि केल्विन साइकिल के जो स्टेप्स हैं वो कितने हैं और कौन कौन से हैं। अब हम आके स्टेप्स की समरी को डिस्कस करते हैं और साइकिल को स्टार्ट करते हैं। तो साइकिल जो स्टार्ट कहाँ से होता है कि साइकिल जो हमारा स्टार्ट होता है RuBP से स्टार्ट होता है। RuBP मैंने आपको पहले बताया कि राइबुलोज बिसफॉस्फेट, ये एक शुगर है। तो ये क्या है, 5 कार्बन कंपाउंड है। 5 कार्बन कंपाउंड है तो इसलिए यहाँ पे मैंने ये जो दायरे से दिखाए हैं आपको, 5 जो दायरे दिखाए हैं ये क्या है, एक्चुअली कार्बन मॉलिक्यूल्स को मैंने शो किया हुआ है दायरों के फॉर्म में। तो 5 कार्बन कंपाउंड है। तो 5 कार्बन कंपाउंड मीन्स राइबोलोज हो गया, और साथ में हमने यूज़ किया हुआ है बिस फॉस्फेट, मीन्स 2 फॉस्फेट ग्रुप इसके साथ अटैच हैं। तो एक फास्फेट इसका इस साइड पे अटैच कर देंगे, एक साइड इस साइड पे अटैच कर देंगे। तो ये एक मॉलिक्यूल हो गया हमारे पास RuBP का। ये RuBP क्या करता है, हमारे पास डार्क रिएक्शन या केल्विन साइकिल को स्टार्ट करता है या स्टार्टिंग मॉलिक्यूल है हमारे पास। तो फर्स्ट जो स्टेप है उसमें क्या होता है कि RuBP के साथ बाहर से हमारे पास क्या आती है, CO2 आती है। ये CO2 का एक मॉलिक्यूल है जिसको मैंने थोड़ा सा डार्क कलरिंग में शो किया हुआ है ताकि इसको आप जो है उससे थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए। जो ये जो 5 कार्बन है ये RuBP के हैं, लेकिन ये जो यहाँ पे ये थोड़ा सा डार्क करके दिखाया गया ये 6ठा कार्बन है जो कि CO2 के थ्रू आ रहा है हमारे पास। तो 5 कार्बन कंपाउंड RuBP था, इसके साथ एक CO2 मॉलिक्यूल अटैच हो गया, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, 6 कार्बन कंपाउंड बन जाता है। तो ये जो कंपाउंड बनता है इसको हम नाम देते हैं इंटरमीडिएट का। इंटरमीडिएट का नाम क्यों देते हैं, क्योंकि ये जो कंपाउंड है ये स्टेबल नहीं है। तो ये क्या हो जाता है, ये 2 फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है इमीजिएटली आफ्टर इट फॉर्मेशन। कि जैसे ये बनता है फौरन ये क्या हो जाता है, टूट जाता है 2 कंपोनेंट्स में। ये कहाँ से टूटता है, ये जो दरमियान से जो है टूट जाता है। ये 3 कार्बन जो है एक साइड पे चले जाते हैं, ये 3 कार्बन जो है एक साइड पे चले जाते हैं। तो ये 2 मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है। यहाँ पे फिलहाल हम ये जो नंबर है नंबरिंग की बैलेंसिंग नहीं कर रहे, हम जस्ट जो है साइकिल को
थोड़ा सा आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूँ कि साइकिल जो है स्टार्ट किस तरह से होता है, या इसके नतीजे में कौन से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बन रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट फिर हम आके इसकी जो है नंबरिंग जो है इसको हम बैलेंस कर लेंगे कि कौन से जो कंपाउंड था उसके कितने जो मॉलिक्यूल्स थे और उसके नतीजे में उसके प्रोडक्ट्स के कितने मॉलिक्यूल्स बने, वो हमने बाद में जो है बैलेंसिंग कर लेनी है। फिलहाल हमने जो है इसका एक सीक्वेंस जो है चेक करना है कि किस तरह से जो है ये प्रोसेस चलता है। वैसे तो अगर देखा जाए तो हम प्लांट सेल्स के अंदर या वैसे भी सेल्स के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं वो क्या होते हैं, वो कैटलाइज हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट इंजाइम्स के, साइटोप्लाज्मिक इंजाइम्स हो गए या जो सेलुलर इंजाइम्स हैं वो उसको कैटलाइज करते हैं। तो हमने यहाँ पे बाकी स्टेप्स के लिए जो इंजाइम है वो उसको स्किप किया हुआ है, लेकिन एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंजाइम है जिसके बगैर जो है यहाँ पे रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं होता, उसको हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है क्योंकि ये लाजमी है। उसका नाम है रूबिस्को। रूबिस्को RUB से मीन्स रूबिस से मीन्स रूबिस मीन्स और राइबियोलोज हो गया, और CO जो है CO पार्ट जो है ये डिनोट करता है इसकी एक्टिविटी को। अगर तो ये CO2 की जो है एंट्री करवाता है यहाँ पे, CO2 RUBP और CO2 को आपस में कंबाइन करवाता है, तो फिर इसकी एक्टिविटी के बेस पे हम इसको क्या नाम देते हैं, कार्बोक्सीलेज का नाम देते हैं, क्योंकि इसकी एक्टिविटी क्या है कि ये क्या करता है CO2 जो है ऐड कर रहा है, तो इस बेस पे हम इसको कार्बोक्सीलेज कह देते हैं। बाद अवकात यहाँ पे ये क्या करता है, CO2 ऐड नहीं होती, यहाँ पे ऑक्सीजन के एडिशन करवाता है, तो उस बेस पे हम इसको क्या नाम देते हैं, फिर ऑक्सीजिनेज का नाम देते हैं। तो रूबिस्को मीन्स राइबियोलोज को, राइबियोलोज कार्बोक्सीलेज ऑक्सीजिनेज, इसका पूरा जो एंजाइम है ये क्या है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द प्लांट्स या इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसके बाद हम अगर बैलेंस की बात करें तो हमारे पास जो RUBP है इसके कितने मॉलिक्यूल्स हैं, इसके तीन मॉलिक्यूल्स हैं, तीन मॉलिक्यूल्स आते हैं RUBP के, ये क्या है 5 कार्बन कंपाउंड है। तो तीन को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो इसके नतीजे में हमारे पास जो टोटल है वो कितना बन जाता है, टोटल कार्बन नंबर जो है वो कितने हैं, 15, 15 कार्बन जो है ये आ रहे हैं रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए। तो क्योंकि ये तीन मॉलिक्यूल थे तो CO2 का जो है, अगर ये एक मॉलिक्यूल था तो CO2 का एक मॉलिक्यूल चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तीन मॉलिक्यूल्स हैं तो इसलिए CO2 के भी तीन ही मॉलिक्यूल चाहिए होंगे, तो 15 ये थे और 3 ये हो गए, तो फिर ये कितने हो गए, 18 हो गए। अब 18 जो है वो किस तरह से बैलेंस होंगे कि ये जो 6 कार्बन इंटरमीडिएट बना है इसके एक्चुअली तीन मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, ये फर्स्ट मॉलिक्यूल यहाँ पे है, इसके अलावा यहाँ पे एक दूसरा, एक एक तीसरा, इस तरह ये तीन मॉलिक्यूल जो हैं 6 कार्बन कंपाउंड जो हैं बन जाते हैं इंटरमीडिएट्स, और इनकी फिर क्या होती है, फ्रेगमेंटेशन होती है, मीन ये दो में डिवाइड हो जाते हैं थ्रू ब्रेकेज, ये दरमियान यहाँ से जो है ब्रेकेज होती है और ये क्या एक मॉलिक्यूल जो है ये दो में डिवाइड हो जाता है। तो इसके नतीजे में फिर या जो है ये हमारे पास कितने बने थे, ये हमारे पास बने थे 3 मॉलिक्यूल, लेकिन अब तीन जो है डिवाइड हो रहे हैं इनटू टू, मतलब ईच फ्रेगमेंट जो है या ईच मॉलिक्यूल जो है वो 2 फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हुआ है, तो ये जो तीन है ये कितने में डिवाइड हो जाएंगे, 6 में डिवाइड हो जाएंगे, तो ये हमारे पास 6 जो है 3 कार्बन कंपाउंड बन जाएंगे, और इसको क्या नाम देते हैं, इस 3 कार्बन कंपाउंड को, ये क्या है 3 कार्बन है और ये क्या है, ये हमारे पास 6 कार्बन है, ये 6 कार्बन ब्रेकेज, इसकी ब्रेकेज हुई इनटू दिस 3 कार्बन कंपाउंड, इसको हम नाम देते हैं 3-फॉस्फोग्लाइसरेट, मीन्स 6 मॉलिक्यूल हमारे पास आ गए 3-फॉस्फोग्लाइसरेट के। यहाँ तक इसकी जो फर्स्ट फेज है कार्बन फिक्सेशन की, यहाँ पे आके कंप्लीट हो गई, 3-फॉस्फोग्लाइसरेट के बनने तक जो है कार्बन की फिक्सेशन की जो स्टेज है ये कंप्लीट हो गई है, फर्स्ट स्टेज जो है कार्बन फिक्सेशन।
अगर वो पूछे कार्बन फिक्सेशन, तो आपने इस ये जो दो रिएक्शन है, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दो रिएक्शन आपने अपनी वर्डिंग में बता देने हैं उनको कि ये जो है कार्बन फिक्सेशन के जो है स्टेप्स हैं। इसके बाद जब थ्री फास्फोग्लाइसरेट बन गया, अब थ्री फास्फोग्लाइसरेट क्या था, थ्री कार्बन कंपाउंड था, पर इसके पास क्या है, एक फास्फेट है। यहाँ पे देखें, ये जो सिक्स कार्बन कंपाउंड था, इसके पास दो फास्फेट थे, एक इस साइड पे अटैच था, एक इस साइड पे अटैच था। जब इसकी यहाँ से जो है ये टूटा है, तो एक फास्फेट इसके साथ चला गया इन तीन कार्बन के साथ, और एक फास्फेट ग्रुप जो है इन तीन कार्बन के साथ चला गया। तो एज ए रिजल्ट, जो हमारे पास थ्री फास्फोग्लाइसरेट है, इसके पास सिर्फ एक ही फास्फेट ग्रुप है अटैच है। तो फिर क्या होगा कि हमारे पास नेक्स्ट इस ये जो थ्री फास्फोग्लाइसरेट है, इसको कन्वर्ट किया जाता है 1,3-बिस फास्फोग्लाइसरेट। क्यों और कैसे कन्वर्ट किया जाता है, इसके साथ एक फास्फेट ग्रुप अटैच किया जाता है। ये फास्फेट ग्रुप यहाँ पे अटैच था, तो हम इसके साथ एक दूसरा फास्फेट ग्रुप इस साइड पे अटैच कर देते हैं। तो ये फास्फेट ग्रुप कहाँ से आता है, ये फास्फेट ग्रुप हमारे पास आ जाता है एटीपी के थ्रू। और ये एटीपी हमारे पास कहाँ से आ रही है, ये हमारे पास लाइट रिएक्शन के थ्रू आ रही है। जो लाइट रिएक्शन में हमने एटीपी बनाई थी, वो यहाँ पे फास्फेट सोर्स के तौर पे यूज़ हो रही है, या एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, ताकि थ्री फास्फोग्लाइसरेट को कन्वर्ट किया जा सके इनटू 1,3-बिस फास्फोग्लाइसरेट। ये फास्फेट क्या है, एक्चुअली एनर्जी बॉन्ड है, एनर्जी कंटेनिंग बॉन्ड है। एटीपी की एनर्जी अब यहाँ पे 1,3-बिस फास्फोग्लाइसरेट में आके स्टोर हो गई है। इसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप जो है रिडक्शन का, वो क्या है, एनएडीपीएच जो है ये रिड्यूस होता है। नहीं, एनएडीपीएच क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है। एनएडीपीएच क्या है, एक रिड्यूस फॉर्म है, जो कि लाइट रिएक्शन में क्या हो गई थी, बन गई थी। ये क्या होता है, ये ऑक्सीडाइज होता है, और ये जो हाइड्रोजन है इसका, ये रिमूव हो जाता है यहाँ से, ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, और एज ए रिजल्ट ये क्या कन्वर्ट हो जाता है, इनटू एनएडीपी पॉजिटिव ऑक्सीडाइज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो 1,3-बिस फास्फोग्लाइसरेट, जैसे ही एनएडीपीएच की ऑक्सीडेशन हुई, उसके नतीजे में 1,3-बिस फास्फोग्लाइसरेट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू ग्लाइसरलडिहाइड 3-फास्फेट। अब ग्लाइसरलडिहाइड 3-फास्फेट और 3-फास्फोग्लाइसरेट जो है, ये एक्चुअली कुछ स्टूडेंट जो है कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि इनमें क्या फ़र्क है, बेसिकली क्या फ़र्क है इनमें, G3P में या 3-फास्फोग्लाइसरेट में क्या फ़र्क है। तो यहाँ पे देखें, ये जो है यहाँ पे अगर इस हाइड्रोजन को रिमूव करके एक यहाँ पे फास्फेट लगाया जाए, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, 3-फास्फोग्लाइसरेट बन जाता है। ये हमारे पास क्या है, 3-फास्फोग्लाइसरेट। तो अगर जो G3P है, इसमें 3-फास्फोग्लाइसरेट में जो है ये ऑक्सीजन जो है प्रेजेंट है, इसके साथ यहाँ पे एक फास्फेट ग्रुप आके अटैच हो जाता है। लेकिन जो G3P है, यहाँ पे ये वाली जो ऑक्सीजन है, ये क्या हो जाती है, ये एब्सेंट हो जाती है, ये ऑक्सीजन एब्सेंट हो जाती है, और फास्फेट ग्रुप जो है इस हाइड्रोजन की जगह पे आके लग जाता है, फास्फेट ग्रुप। यहाँ पे ये जो है ये ख़त्म हो जाती है, यहाँ पे ये यहाँ पे जस्ट जो है हाइड्रोजन आ जाती है CH। अगर यहाँ पे जस्ट हाइड्रोजन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन जो है यहाँ से एब्सेंट है, तो फिर इस फॉर्म में इसको क्या नाम देते हैं, हम G3P का नाम देते हैं। लेकिन अगर अगर यहाँ पे ऑक्सीजन जो है प्रेजेंट हो, तो फिर इस फॉर्म में इसको क्या नाम देते हैं, 3-फास्फोग्लाइसरेट का। 3-फास्फोग्लाइसरेट से ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया गया, ऑक्सीजन को हटा दिया गया या बाहर निकाल दिया गया। तो जब ऑक्सीजन को नॉक आउट करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं,
उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं रिडक्शन का। रिडक्शन को हम दो तरह से डिफाइन करते हैं। रिडक्शन में क्या होता है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं या हाइड्रोजन ऐड हो रही है तो उसको हम रिडक्शन का नाम देते हैं। इसी तरह अगर उसमें से ऑक्सीजन जो है वो निकाल लें तो इसको भी हम रिडक्शन कहते हैं। और ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन को ऐड करना, तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है ऑक्सीजन को ऐड किया जाता है, जबकि रिडक्शन में क्या होता है ऑक्सीजन को रिमूव किया जाता है। तो यहाँ पे 3-फॉस्फोग्लाइसरेट से ऑक्सीजन को रिमूव किया गया है, मीन ये जो ऑक्सीजन है इसको हटा दिया गया है। तो अब जो ये कंपाउंड है ये क्या है, रिड्यूस फॉर्म है, मीन जहाँ से ऑक्सीजन जो है निकल गई है 3-फॉस्फोग्लाइसरेट से। और अब इसको हम क्या नाम देते हैं, G3P, ग्लाइसरलडिहाइड 3-फॉस्फेट। तो हमारे पास 6 मॉलिक्यूल थे 1,3-बिस्फॉस्फोग्लाइसरेट के, तो इनके थ्रू इसकी जब रिडक्शन हुई मजीद यहाँ पे, तो इसके नतीजे में हमारे पास G3P के कितने मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ G3P बन जाएंगे। यहाँ पे आके हमारे पास जो रिडक्शन फेज है वो कंप्लीट हो गई है। ये जो रिडक्शन फेज है ये यहाँ पे आके कंप्लीट हो गई है। ये क्या है हमारे पास, रिडक्शन फेज। ये जो हमारे पास एक स्टेप ये हो गया और एक स्टेप ये हो गया, ये जो दो स्टेप हैं जिसके थ्रू 3-फॉस्फोग्लाइसरेट को रिड्यूस किया जाता है इनटू G3P ग्लाइसरलडिहाइड 3-फॉस्फेट, इसको हम क्या नाम देते हैं, रिडक्शन फेज का नाम देते हैं। ये जो है हमारी डार्क रिएक्शन या केल्विन साइकिल की सेकेंड फेज जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसकी थर्ड फेज स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम नाम देते हैं रीजनरेशन ऑफ RuBP, राइबुलोज बिस्फॉस्फेट। तो हमारे पास यहाँ पे रिडक्शन के नतीजे में हमारे पास कितने मॉलिक्यूल बन गए थे G3P के, 6 मॉलिक्यूल। इन 6 मॉलिक्यूल्स में से एक जो मॉलिक्यूल है G3P का वो इस साइकिल से बाहर निकल आता है, और ये जो एक मॉलिक्यूल है ये क्या चला जाता है, शुगर की फॉर्मेशन में इसका रोल है, कि ये जो G3P है ये शुगर बना देता है। ये G3P क्या है, हमारे पास 3 कार्बन कंपाउंड है। तो शुगर हमारे पास, शुगर ग्लूकोज हो गया हमारे पास, तो वो क्या होता है 6 कार्बन होता है। तो एक शुगर मॉलिक्यूल को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होंगे, हमें 2 साइकिल रिक्वायर्ड है, मीन्स यहाँ पे हमें कितने मॉलिक्यूल चाहिए होंगे RuBP के, 6 मॉलिक्यूल। इसी तरह CO2 के भी हमारे पास कितने चाहिए होंगे, 6 मॉलिक्यूल, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ RuBP, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। ये कन्वर्ट होते जाएंगे तो हमारे पास अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, हमारे पास एक जो है ग्लूकोज मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे जो ATP के मॉलिक्यूल थे वो कितने थे, 6 थे। तो एक शुगर की प्रोडक्शन के लिए हमारे पास जो ATP के मॉलिक्यूल चाहिए होंगे वो कितने होंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो हमारे पास जो एज ए रिजल्ट नंबर बनेगा वो कितना होगा, 12। तो एक शुगर के लिए हमारे पास कितने चाहिए, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए हमारे 12 ATP मॉलिक्यूल चाहिए। इसी तरह NADPH कितने थे हमारे पास, यहाँ पे 6 थे। तो 6 NADPH जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहे थे इनटू 1 G3P। और अगर 2 G3P यहाँ पे चाहिए तो 2 G3P के लिए हमारे पास, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एज ए रिजल्ट हमारे पास इसके कितने चाहिए होंगे, 12 NADPH जो है चाहिए होंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल थ्रू दिस साइकिल। तो ये था इसका बैलेंस जो है वो मैंने आपको थोड़ा सा बताया है। अगर इसको हम नेक्स्ट जो है, ये तो था कि शुगर की जो फॉर्मेशन है किस तरह से होती है थ्रू जो है G3P। यहाँ से जो G3P निकला है वो एक G3P जो है वो शुगर की फॉर्मेशन में अपना रोल प्ले करता है, लेकिन बाकी एक G3P जो है वो यहाँ पे आ गया था, एक G3P क्या आ गया था, यहाँ पे आ गया था फॉर द फॉर्मेशन ऑफ शुगर। बाकी यहाँ पे कितने बचे, 5 G3Ps, ये कितने हैं, 3 कार्बन कंपाउंड है।
और ये कितने हैं टोटल, फाइव, फाइव जराब तीन, फाइव जराब ये थ्री, हमारे पास कितने बन गए, 15। तो ये बिल्कुल 15 उतने ही हैं जितने हमारे पास स्टार्ट में थे, कार्बन नंबर तो हमारे पास उतने ही हैं, 15 ही हैं, लेकिन इसको हमने क्या करना है, कन्वर्ट करना है इनटू RUBP, इसकी मालिक्यूल की क्या करेंगे, मालिक्यूला रीअरेंजमेंट करेंगे। और इस रीअरेंजमेंट के लिए हमें फिर से क्या चाहिए होता है, हमें ATP चाहिए होता है, और क्योंकि ये हमारे पास कितने हैं, फाइव मालिक्यूल्स हैं, तो इनको कन्वर्ट करना है इनटू थ्री मालिक्यूल्स ऑफ RUBP, तो इसके लिए हमें कितने चाहिए होंगे, थ्री मालिक्यूल्स ऑफ ATP चाहिए होंगे, जो इसको फास्फोराइलेट, इसकी फास्फोराइलेशन करेंगे इनटू और कन्वर्ट कर देंगे इनटू RUBP, और इस तरह से जो है साइकिल जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो साथ में मैंने यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखाया हुआ है राइबुलोज 1,5-बिस फास्फेट की। तो यहाँ पे एक जो है इस डायग्राम में क्या है, एक फास्फेट जो है इस साइड पे अटैच होता है और एक फास्फेट जो है इस साइड पे अटैच होता है। तो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे लगा हुआ है इसको रिमूव कर देना है, क्योंकि ये हाइड्रोजन की जगह पे हमारे पास फास्फेट ग्रुप आके अटैच हो जाता है, ये मैंने गलती से जो है हाइड्रोजन यहाँ पर लिख दिया है, तो इसको आप रिमूव कर दें। तो इसके साथ ही हमारा आज का जो लेक्चर है वो इख्तिताम पजीर होता है, लेकिन मैं आपको इसकी समरी बता देता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे हमारे पास साइकिल में क्या आता है, RUBP आता है। RUBP क्या होगा, RUBP आएगा और एक मालिक्यूल आएगा हमारे पास CO2 का। RUBP क्या था, फाइव कार्बन कंपाउंड था, एक CO2 का जो है कार्बन आया इसके साथ ऐड हुआ, तो कितने हो गए, सिक्स कार्बन हो गए। तो हमारे पास एक सिक्स कार्बन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हो जाती है यहाँ पे। तो सिक्स कार्बन इंटरमीडिएट जो है यहाँ दरमियान से इसकी ब्रेकिंग होती है और ये क्या कन्वर्ट हो जाता है, इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ थ्री फास्फोग्लाइसरेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये थ्री फास्फोग्लाइसरेट क्या है, थ्री कार्बन जो है कंपाउंड है। तो इंटरमीडिएट जो है वो सिक्स कार्बन कंपाउंड था, ये टूटा दो में तो तीन कार्बन के जो है दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे। अब ये जो थ्री फास्फोग्लाइसरेट बन गया, इसके साथ ही हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप था कार्बन फिक्सेशन, ये पूरा हो गया है यहाँ तक। अब इसकी क्या होनी है, रिडक्शन होनी है, रिडक्शन, रिडक्शन मीन्स ऑक्सीजन को ऐड करना है हमने इनटू थ्री फास्फोग्लाइसरेट, ऑक्सीजन को इनटू, ऑक्सीजन को ऐड नहीं करना, ऑक्सीजन को रिमूव करना है, सॉरी ऑक्सीजन को यहाँ से रिमूव करना है, थ्री फास्फोग्लाइसरेट से ऑक्सीजन को रिमूव करना है। तो इसके नतीजे में हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी रिडक्शन हो जाएगी इनटू ग्लाइसरलडिहाइड थ्री फास्फेट, या जिसे हम G3P के नाम से जानते हैं। ये कैसे होगा, ये हमारे पास दो स्टेप्स में होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल थ्री फास्फोग्लाइसरेट में अगर ATP ऐड करें, ATP क्या करेगा, इसके साथ जो है फास्फेट ग्रुप अटैच करेगा और कन्वर्ट कर देगा इसको 1,3-बिस फास्फोग्लाइसरेट या बाई फास्फोग्लाइसरेट। यहाँ थ्री फास्फोग्लाइसरेट के साथ एक फास्फेट अटैच था, लेकिन ATP ने क्या किया, दूसरा फास्फेट ग्रुप भी इसके साथ अटैच किया, तो एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या बनेगा, बाई फास्फेट 1,3 बाई फास्फोग्लाइसरेट। अब 1,3 बाई फास्फोग्लाइसरेट की क्या होगी, रिडक्शन होगी। ये रिडक्शन कैसे होगी, NADPH जो है ये क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है N2 NADP, और ये क्या करता है, रिड्यूस करता है 1,3-बिस फास्फोग्लाइसरेट को G3P के अंदर या ग्लाइसरलडिहाइड 3 फास्फेट के अंदर। तो यहाँ पे जो है रिडक्शन डिवीजन जो है वो कंप्लीट हो गई। रिडक्शन के नतीजे में हमारे पास क्या बन गया, G3P बन गया। G3P के हमारे पास कितने बने, सिक्स मालिक्यूल यहाँ पे आके बन गए हमारे पास साइकिल के पूरे जो नंबरिंग के लिहाज से अगर देखा जाए तो। अब इस G3 में से एक जो मालिक्यूल है ये हमारे पास साइकिल से बाहर आ जाता है और ये क्या करता है, शुगर फार्मेशन में इन्वॉल्व हो जाता है। बाकी जो पांच हैं वो क्या करते हैं, वो रीजनरेट करवा देते हैं हमारे पास, ये जो फाइव कार्बन RUBP के तीन मालिक्यूल हैं उसकी रीजनरेशन करवा देते हैं। इसके साथ ही हमारा जो डार्क रिएक्शन या केल्विन साइकिल है वो ख़त्म हो जाता है। तो इतना ही था, अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन लगे तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।